मुस्लिम विरोधी होश में आओ, होश में आओ, मुस्लिम विरोधी होश में आओ, होश में आओ, आरक्षण विरोधी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, आरक्षण विरोधी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, जय 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 भीम, जय 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 भीम, एसटी एसटी ओबीसी का आरक्षण देना होगा, देना होगा, देना होगा। चौकी पे दुकान खुला हुआ है, ये सब गड़बड़ बात न है। आज क्रांतिकारी साथियों एवं मित्रों, आप सबको मालूम होगा कि आज एससी एसटी प्रमोशन और जो भारत सरकार के द्वारा सभी एससी एसटी को उलझाया जा रहा है, जानबूझ करके उलझाना चाहती है सरकार, उसके खिलाफ एससी एसटी ओबीसी हमारे अल्पसंख्यक भाई लोग भी आपके साथ आज सड़क पर उतर गए हैं। रेल चक्का जाम करने के बाद अब हम लोग सड़क की चक्का बंद करने के लिए जा रहे हैं। उसके बाद उसके साथ ही साथ हम सब एनआरसी सीए एनपीआर का जो ये सरकार कानून लाया है उसका हम लोग विरोध करते हैं। और हम सभी के भी समाज अल्पसंख्यक भाई हिंदू भाई लाइए लाइए ठंडा लाइए सभी लोग एक हैं। और सभी को हम लोग बंद करवाए हैं। अब आप लोगों से आग्रह है कि आप सभी भी इस बंद में शामिल हो और अपने इर्द गिर्द स्टेशन सड़क सभी को आप बंद करें। हमारे बीच बहुजन पैंथर के संस्थापक डॉक्टर नरेंद्र पासवान जी आपके पास कुछ बात रखे। जैसा कि दोस्तों आप लोग सबको पता है, हर बार कभी आरक्षण पे तो कभी एससी एसटी एक्ट पे और कभी एनआरसी से काला कानून को इस देश में लाकर पूरी जनता को सड़कों पे लाने का काम किया। ये सब नहीं चलेगा। किसी भी हाल में ये सरकार हम लोगों को बर्दाश्त नहीं है। हर हाल में समय से पहले इनको उखाड़ने के लिए हम लोग सड़कों पे उतर चुके हैं और 5 साल इनको झेला नहीं जा सकता है। ये बेशर्म है, शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये तारीफार हमारी नागरिकता खुद सिद्ध करेगा कि हम लोग भारत के नागरिक हैं या नहीं। इसीलिए हम लोग सड़कों पे उतर के सरकार की हर प्रतिनिधियों के खिलाफ लड़ते रहेंगे। इसके लिए हमारा बलिदान क्यों न देना पड़ेगा। हम लड़ते रहेंगे और लड़ते हैं। जय भीम। आग्रह है आप सभी अपने अपने शहरों में अपने अपने गांव में अपने कस्बे में सभी आए आप उतरे और ये सरकार ताली पार गुंडों की सरकार, ये नपुंसकों की सरकार के खिलाफ आप सब भी सड़क पर उतरे और ये सरकार का भारी विरोध करें। ये हम लोगों में भी लहू नहीं है। आप अगर संविधान से छेड़छाड़ करेंगे तो हम सब भी संविधान को बचाने के लिए सड़क पर आ जाएंगे। और हम आपसे एकदम आगे ही जाकर हम शांति के लिए लड़ेंगे और देश हित में रहेंगे। जय भीम साथियों। आप देख सकते हैं कितने युवाओं हमारे साथ हैं और समाज की कार्यकर्ता भी हमारे हम लोग के साथ हैं, बुद्धिजीवी वर्ग भी हम लोग के साथ हैं।